संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हो तेरे बने लागरे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरे बड़े भागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, और तेरे बड़े भागरे तेरी अच्छी बनेगी, और तेरे बड़े भागरे तेरी अच्छी बनेगी।
नारी तीन असाए सुतवित नारी तीन असाए सुतवित नारी तीन असाए अब त्याग सके तो त्याग रे त्याहो अच्छी बने त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी नारी तीन असाएं सुत माने हैं सुत माने सुतनयंत पुत्र वैसे अलग दी सुपुत्र सुत माने बेटा बित माने धन लक्ष्मी पैसा और नारी सुत बित नारी तीन असाएं त्याग सके तो त्याग रे अगर त्याग सको तो त्याग रे और ना त्याग सको तो कोई जरूरत ना लेकिन संतन के संग लाग रे अगर ये तीनों ना त्याग पाओ तो कोई बात नहीं लेकिन संतन के संग संतों का साथ फिर भी पकड़ लो कहत कबीर राम सुमिरन कर अब जाप सके तो जाप रे जप ले अभी भी राम का सुमिरन अभी भी जप ले कहत कबीर राम सुमिरन कर जाप सके तो जाप रे तेरी अच्छी बनेगी अभी भी मैंने अभी यहां तो उठवाई नहीं थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक भजन नहीं कर पा रहे अभी तक तीनों में फंसे हुए हैं इसलिए सबसे कहना है भैया कि आप थोड़ा थोड़ा स्मरण जरूर करते रहे पांच पैर धंधा गया तीन पैर गया सोए एक पैर हरे नाम बिना मुक्ति कैसे होए पांच पैर धंधा करने चले गए तीन पैर सो गए एक पैर हरे नाम बिना मुक्ति कैसे मुक्ति नहीं हो सकती इसलिए सबसे कहना है कि जरूर भजन भजन बहुत जरूरी है
दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई हो, जो सुख में सुमरन करे तो दुख खाए को। लेकिन कबीर दास जी जहाँ एक बात और कहते हैं, एक दोहा और लिख रहे हैं कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख खाए को। और दूसरा क्या लिखा कि सुख में सुमरन ना किया, सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया प्रभु याद, और कहें कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। सुख में सुमरन ना किया, सुख था तब कुछ भजन नहीं किया, तब तो जो मकान ले ले, वो मकान ले ले, जो गाड़ी फलाने सब में फंसे रहे, फिर दुख पड़ गया, फिर वो मकान जकान सब जब्त हो गए, मोहन लगी मुकदमा मुकदमा निकल निकल के आए गए। अब वो बाबा लोग भाज रहे, बाबा कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, कहां से कृपा करो। हैं सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया प्रभु याद, कहें कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हमें हर समय देखते हुए इस मनुष्य योनि को, हाँ भाग्य जी भैया, जो समय मिला है उसी समय को अमूल्य समय समझ के, और हमें थोड़ा बहुत अवश्य भजन करते रहिएगा। क्यों पता नहीं हम कब किस समय हमें कौन सी डाली से हमारे इस पौधे में जैसे फल आता है फूल आता है, तो पता नहीं हम कौन सी डाली के फूल हैं कि कौन सी डाली के फल हैं, कौन सा माली आके हमें कब उठा ले जाए। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है, क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। इसलिए हमें यहां से जाना ही है भैया, और कल मैंने थोड़ी देर आपको गोस्वामी जी के रामचरितमानस का आनंद दिलवाया था, आप थोड़ी देर कबीर जी के दोहे की तरफ लेके चलते हैं, 5 मिनट आप सभी गुनगुना लीजिए। कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए, भजन करे कोई सूरमा जात धर्म सब खोए रे भैया, जात धर्म सब खोए, जात न पूजो साधु की पूजली दिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान रे भैया, पड़ा रहन दो कान भैया, पड़ा रहन दो बलिहारी गुर आपनो घड़ी घड़ी सुसबार, मानुष से देवता किया करत न लागी पार रे भैया, करत न लागी पार। ये जो कबीरदास जी ने दोहा लिखा है स्वामी जी बहुत कुछ है, बलिहारी गुर आपनो, हे गुरुदेव आपकी बलिहारी, थोड़ी आवाज इसकी कम कर, बलिहारी गुर आप घड़ी घड़ी सौ सौ बार, एक घड़ी में 100 बार हम आपकी बलिहारी कर रहे हैं, किस बात की, मानुष से देवता बनाए करत न लागी बार, तनिक समय नहीं लगाया आपने मुझे देवता बनाने, देवताओं की तरह हम संतों की पूजा करा रहे हैं, वो आप वो कौन है, गुरु होते हैं जो मनुष्य की देवता की तरह पूजा करा देते हैं, गुरु चाहे तो अपने शिष्य को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, गुरु की कृपा हो, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए अपने गुरुदेव के नाम को कभी भी किसी तरह से मिथ्या ना जाने दे, अपने गुरुदेव के ऊपर कभी भी आंच ना आने दे, अपने गुरुदेव के नाम को कहीं किसी जगह बदनाम ना होने दे, ऐसा शिष्य भी होना चाहिए।
फलहारी गुर आपनो घड़ी घड़ी ससपार मानुष से देवता किया करत न लागी पार रे भैया करत न लागी पार भैया करत न लागी पार गुर गोविंद दो खड़े आके लागो पान जय हो बलिहारी गुर आप दियो बताए रे भैया गोविंद दियो बता कबीर माला मालकी और सन्यासी भी माला फेरत हरी मिले गले रहत के देख रे भैया गले रहत के देख रे भैया गले रहत के देख माला फेरत जगो भया मेरा न मन का पे घर का मन का डार दे फिर मन का फेर दे भैया फिर मन का पे फिर मन का फेर भैया मन का फे राम नाम की लूट सके सो लूट अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट रे भैया प्राण जाएंगे छूट रे भैया प्राण जाएंगे छूट कबीराते नर अंध है गुरु को कहते हर रूठे गुर ठार है भैया गुर रूठे ना ठौर जहां दया का धर्म है जहां लोभ ता पाप जहां क्रोध ता पाप है जहां क्षमा ता आप रे भैया जहां क्षमा ता आप रे भैया जहां क्षमा ता आप रे भैया जहां क्षमा भैया प्रगुने मारी लात रे भैया प्रगुने मारी लात शील पंत सबसे बड़ा तीन रत्नन की खान तीन लोक की संपदा रही शीश में आन रे भैया रही शीश में आन रे भैया शीश में आ कबीरा सोया क्यों करे उठ भजले भगवान यम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान रे भैया पड़ी रहेगी प्राण रे भैया पड़ी रहेगी प्राण इस दोहे में कबीरदास ने बहुत कबीरा सोया क्यों करे उठ भजले भगवान हे जीवात्मा तू क्यों सो रही है भगवान का भजन कर ले जम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी वो तलवार रूपी जीवात्मा तो निकल जाएगी और शरीर रूपी म्यान यही पड़ी रहेगी यही पड़ी रहेगी। आगे उन्होंने एक दोहा बहुत सुंदर और लिखा माया मरी न मन मरा मर मर गयो शरी आशा तसरा नाम मरी कह गए दास कबीर रे भैया कह गए दास कबीर रे भैया कह गए दास कबीर नींद निशानी मौत की नींद निशानी मौत ले भज भगवान और रसायन छोड़ दे नाम रसायन लागे रे भैया नाम रसायन
रसायन लाग भैया नाम रसायन लाग। ये नींद की निशानी मौत की निशानी बताई, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये नींद की निशानी किसकी है? मौत की निशानी की। जैसे मुर्दा पड़ा रहता है ना, ऐसे लोग अभी भजन ना करना चाह रहे, सो रहे हैं किसमें? मोह और माया की नींद में। मोह ने ऐसा सुला दिया जो भजन नहीं करना चाह रहे। कबीर जी ने लिखा है कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ दे, नाम रसायन लागो, नाम प्राप्त कर ले तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर तुमने वो नाम की प्राप्ति नहीं की तो क्या होगा? रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए रे भैया, कौड़ी बदले जाए रे भैया, कौड़ी बदले जाए। शाम को भोजन किया तो 25 पूरी खेच गए, खेचते चले गए साहब। रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए, रात को भी इतना खा लिया कि नींद आ गई और दिन में भी इतना खा लिया कि पूरा दिन निकल गया। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है, ये जन्म कितना अनमोल है, अब कौड़ी बदले जाए। यमदूत की मार पड़ रही और जा रहे हैं, और जाना है, आएगा बुलावा तो जाना, आखिर सिर झुकाना ही, बहाना चलेगा बहाना किसी का, और आखिर तुम्हें बजाना ही पड़ेगा। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया हाय, हीरा जन्म अनमोल है, अब कौड़ी बदले। और आगे बहुत सुंदर दो और बोल दूं आपकी आगे हो, है बड़ा आनंद आता है एक गोस्वामी जी की चौपाई बोलने में और एक कबीरदास जी की दोहा बोलने में, बड़ा आनंद। माटी कहे तुम्हार से क्यों तू रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय रे भैया, मैं रोंदूंगी तोय रे भैया, मैं रोंदूंगी तो। आया है सो जाएगा राजा रंग भैया, बंधे जात जंजीर रे भैया, बंधे जात जंजीर। और एक दोहा बहुत सुंदर, ये जितने भी नर नारी के रूप में यहाँ बैठे प्रभु के प्यारे भक्त, ये दोहा बहुत सुंदर आप लोगों के लिए, इसमें बड़ा पालन करते महाराज जी। कबीरदास जी ये दोहा दो लाइन में सब कुछ लिख दिया साहब, मुझे तो ये लगता है पूरी कबीर माला के जितने दोहा है जे दो लाइन अगर आपने अपने जीवन में उतार ली ना तो भी मानो कि हमने सब कुछ ले लिया। तो क्या लिखा उन्होंने? जोतो को कांटा बुबे ताए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है बाको है त्रिशूल रे भैया, बाको त्रिशूल भैया, बागो है त्रिशूल। क्या कहा? जो तो को कांटा बोगे, जो तुम्हारे लिए कांटे वो के तैयार रखते, तुम क्या बोगे उसके लिए? फूल। जो तो को कांटा बोगे ताए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है और बाको क्या है? त्रिशूल। तुम्हारे लिए कोई गड्ढा खोदे तुम फिर भी उसके लिए मट्टी एकत्र कर देना, तुम्हें हर जगह एक जैसा रोड मिलेगा और उससे फिर गड्ढा नहीं मिलेगा, उसे खाई मिलेगी। त्रिशूल बताया कि कांटा नहीं फिर तीन मिलेंगे उसे कांटे, कितना सुंदर इसमें एक में लिख दिया, जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, और तो को फूल के फूल है बागो है, बागो है त्रिशूल। एक अंतिम दोहा और बोल लीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ये साधु न भूखा जाए,
भैया साधु न भूखा जाए रे भैया साधु न भूखा जाए साधु न भूखा जाए रे भैया साधु न भूखा जाए। अब कभी फिर प्रभु की कृपा होगी तब आप लोगों का प्रेम पुनः से मिलेगा और आश्रम भी पहुंचना है क्योंकि अब आश्रम के पहले के नियम कई बदल चुके हैं। अब तो सोमवार को बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है पीसी की वजह से, वहां टोकन बटते हैं, मंगल को तो दूर दूर के लोग आज शाम को ही आके डेरा डाल लेंगे कि भैया जल्दी सुबह टोकन मिल जाएगा। आश्रम भी पहुंचना है, कल मंगलवार है। कितने भक्त यहाँ से आश्रम घूमा, यहाँ तक आना, और वो भक्त हाथ उठाना जो अभी तक नहीं जा पाए हो, जो नहीं जा पाए हो। मेरी प्रार्थना है कि एक बार प्रेम प्राधाम सरकार के जरूर दर्शन करके जावे मंगलवार को, अपनी एक अरदास लेके जरूर जाए, एक अरदास लेके प्रेम प्राधाम सरकार जरूर पहुंचे। लेकिन मंगलवार को आप कहीं से भी आए, मंगल को हम विश्व भारत में कहीं भी होंगे आश्रम में मिलेंगे। आप थोड़ा थोड़ा अवश्य सत्संग करते रहें और जो भी दास ने अपने वाणी के द्वारा आपको श्रवण कराया आप उसे अमूल्य शब्द समझ के अपने हृदय कंठ तक ले जाएं, चलने का प्रयत्न करें। कोई भी अभी जाए ना, अभी भंडारा मिलेगा पाने को है, हाँ कोई भी जाए ना अभी प्रसादी मिलेगी एकदम चकाचक। ये कहाँ जा रहे तुम लोग? नहीं प्रसाद वो मदन गोपाल साहब के लिए, ये जगराम सिंह जा रहे हैं बिना प्रसाद का। भैया अब आगामी कार्यक्रम जब ने अपना अमूल्य समय निकाला और सब भक्त बड़े प्रेम के साथ रहे हैं, सत्संग का आनंद लिया, ऐसे भक्तों को बार बार सत्संग में बुलाने का हृदय करता है कि आप बार बार सत्संग से जुड़े रहें और बीच बीच में जाते रहें। आप तो बहुत नजदीक हैं, आपके पास तो आश्रम बिल्कुल नजदीक में है। उनसे पूछो जो लोग बेचारे लखनऊ से चल के आ रहे हैं, रात को निकल देते हैं सुबह 11 बजे तक पहुंच पाते हैं, जो लोग हरिद्वार से चलते हैं कितना समय लगता है, कितना किराया खर्च होता है। आप तो केवल 20 किलोमीटर दूरी पे रह रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की, प्रेम प्राधाम सरकार की, बालाजी महाराज की। राम 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 हम तो जाते अपने धाम, सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम, सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम, सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम, सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम, सबको राम 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 जाते अपने धाम, सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम।
सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम सबको राम बोलिए गुरुदेव भगवान की। अब गुरु महाराज जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है अभी सभी भक्त यथास्थान बैठे रहे। आरती गुरुवर प्यारे की जगत के तारण हारे की आरती गुरुवर प्यारे की जगत के मतवारी झलके प्रेम रस भीग रही पलके शीश पे मतवारी झलके प्रेम रस भीग रही पलके जुगल नारद बारे जगत के
बोले गुरुदेव भगवान की प्रेम।